हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप आरआरबी जेई की वैकेंसी को वेट कर रहे हो, आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हो, आपको पता है जो पहला पेपर होने वाला है वो होने वाला है नॉन टेक्निकल, जिसमें कि आपका एक पोर्शन रहने वाला है मैथमेटिक्स का। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का होगा। अपने आप में मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं यहाँ पर, और आपके 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं, और 15 क्वेश्चन जीके से हैं, और 30 क्वेश्चन आपके जीएस से हैं। तो बेसिकली आपकी जो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जो आपको सिलेक्शन मतलब पहला पेपर जो क्वालिफाइंग पेपर होगा उसे निकलवाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। देखो जीएस भी 30 नंबर की पूछी जानी है, लेकिन जीएस कितनी भी पढ़ लेना आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि भाई आप 30 में से 30 कराओगे। लेकिन अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ लिया तो मैथ में आप ये इंश्योर कर सकते हो कि 30 में से 30 कर लोगे, और अगर आपका एक बार मैथ अच्छा हो गया तो फिर रीजनिंग भी आपकी अच्छी हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी फैकल्टी के बारे में, देखो अभी ये नहीं बताया कि वैकेंसी कब आएंगी, बहुत जल्द आने वाली है, अभी इसका पेपर आप मान के चलो कि 7-8 महीने नहीं हो रहा है, पेपर होने में 7-8 महीने लग जाएंगे, ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ इस चीज़ का। कभी भी वैकेंसी आती है कुछ भी कर लो, लेकिन पेपर होने में 7 से लेकर 8 महीने लगेंगे। एक टीचर है राकेश यादव, करियर विल एप्लीकेशन है, करियर विल एप्लीकेशन आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। राकेश यादव सर के बारे में आप हर उस इंसान से पूछ सकते हो, हर उस इंसान से जान सकते हो जो 2-3 साल से SSC की, RRB जी, RRB की, रेलवे डिपार्टमेंट की, या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें मैथ पूछा जाता है, वो आपको बता देंगे कि राकेश यादव मतलब कैसे टीचर हैं, आपको उनसे पढ़ना चाहिए या नहीं। मैं आपको इस चीज़ का इंश्योर कर रहा हूँ, अगर आप राकेश यादव सर से पढ़ लिए, आपका 30 क्वेश्चन में से आप 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे। और देखो जो बैच है उनकी कुछ आप फ्री क्लासेस देख सकते हो, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, जैसे कि 1% चैप्टर की पड़ी हुई है, काफ़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन आप देखोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। वहाँ पर क्या है, आप एक बार पढ़ लोगे, आप 2000 रुपये का मे बी सब्सक्रिप्शन होगा, एडवांस और अर्थमेटिक दोनों पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यार जो डिप्लोमा में पढ़ के आए हो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन वो नहीं पूछा जाएगा आपका, आपका जो पूछा जाएगा वो जो आज के टाइम में अर्थमेटिक है, कॉम्पिटिशन मैथ है आपका, वो पूछा जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी, एलजेब्रा से सवाल आएंगे, ज्योमेट्री से सवाल आएंगे। तो यहाँ पर आपको एक अच्छे टीचर से पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरे भाई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर आप उसे एक अच्छे टीचर से एक बार पढ़ लेते हैं, देखो बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि मतलब एक डिटेल्ड वे में नहीं पढ़ते, या एक टीचर पर विश्वास करके नहीं पढ़ते, एक चैप्टर पढ़ लिया फिर पढ़ ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ भाई एक बार पूरा जो कोर्स ख़त्म करने में, जो मैथ का पूरा कोर्स है वो ख़त्म करने में आपको कम से कम 7-8 महीने लग जाएंगे, 6-7 महीने मान लो आप, इतने तो लगने ही लगने, लेकिन एक बार आपने कर लिया। और देखो जो सबसे उसमें क्या है, वो CGL लेवल का मैथ पढ़ाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो बहुत मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन करा रहे हैं वो भी आपको करने की जरूरत है, क्योंकि उतने टिपिकल क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं आरआरबी जेई में। लेकिन अगर उनसे कर लिया आपने तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। और साथ में भाई मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, राकेश यादव सर से अगर आप पढ़ोगे, और आज आपको मैथ बिल्कुल भी कहना, आपको मैथ पढ़ने में मजा आएगा। अब वो बच्चों की तरह मतलब जो एक चैप्टर जैसे परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट किया था, वो बिल्कुल एक ऐसी लेवल से स्टार्ट लेके चलते हैं, जो देखो मैं बताने को गगन प्रताप सर भी बता सकता हूँ, या अभिनय सर भी बता सकता हूँ, ये बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं मैथमेटिक्स के फील्ड में। लेकिन मैं गगन प्रताप, अभिनय सर या और टीचर्स के नाम यहाँ पर इसलिए नहीं ले रहा हूँ, ब्रह्मो सर हैं जो CGL के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे हैं, इनके नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं कराते हैं, मतलब ये थोड़ा एडवांस पढ़ाते हैं। लेकिन राकेश यादव सर की जो एक खासियत है वो ये है कि वो बिल्कुल आपको ये समझ के चलेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, और आपको जो कॉन्सेप्ट, जो कोई चैप्टर नया स्टार्ट होगा या कोई नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, बिल्कुल जीरो लेवल से विद उसका प्रूफ, विद एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाएंगे, आपको सच में पढ़ने में मजा आएगा, मैं इस बात का आपको इंश्योर कर रहा हूँ। आप फ्री क्लासेस देख लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाकर उनका बैच, क्योंकि मेरा तो कोई क्लैब है नहीं मुझसे उनकी तारीफ करने का, मेरे को तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है, मैंने खुद ने उनसे बैच परचेज किया था काफ़ी टाइम पहले, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और हर SSC JEE ही नहीं, हर SSC aspirant से पूछ लो, क्योंकि JEE में तो मैथ आता ही नहीं है, रेलवे एस्पिरेंट से पूछ लेना कि राकेश यादव सर कैसे हैं, जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो राकेश यादव सर को जानते हैं, और मोस्ट ऑफ द 95% लोग जानते ही होंगे जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में उनका बहुत बड़ा नाम है, एक टाइम पर तो बहुत बड़े टीचर थे, अभी तो और टीचर भी आ गए हैं उस फील्ड में। लेकिन हाँ वही है कि जिस बंदे ने एक ओरिजिन, जब एडवांस का ओरिजिन हुआ था CGL में 2013-14 में, तो वही बंदा एक मतलब 15-15 हज़ार लोगों की, बच्चों की क्लास उसने लाइव पढ़ाई है उस इंसान ने, ऑफलाइन। ऑनलाइन तो एक अलग बात है, लाखों बच्चे ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन 15-15 हज़ार बच्चों को ऑफलाइन एक साथ पढ़ाया है, वो कैसे पॉसिबल हुआ है वो मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बार राकेश यादव से पढ़ लिया भाई, आप
आपका मैथ का टेंशन भूल जाइए, रीजनिंग आप जब आपका मैथ अच्छा होगा तो रीजनिंग भी अच्छी होती रहेगी, प्रैक्टिस करते रहो, रीजनिंग कहीं से पढ़ने की जरूरत है नहीं। जीएस आप देख सकते हो, फिजिक्स आपकी अच्छी होगी, केमिस्ट्री बायोलॉजी आप कहीं से पढ़ लेना, ठीक है। और अगर आप बात कर लें जीके की, तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस कर रखना, और 15 नंबर की आनी है, ज्यादा पूछा भी नहीं जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पहला पेपर नॉन टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल से ही जो डिप्लोमा वाले बच्चे या बीटेक वाले बच्चे ज्यादा डरते हैं। तो मैंने ये मैथ की स्ट्रेटजी बताई है कि मैथ का एक टीचर बताया, राकेश यादव सर की 7300 करके एक बुक आती है, वो लगा सकते हो यार, उसमें थोड़े डिफिकल्ट सवाल लगेंगे शायद आपको, सिंपल सिंपल सवाल उसके लगा लो। और जो आरआरबी जे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 2018-19 में पेपर हुआ था, उसके लगा सकते हो, वो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अभी आरआरबी का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ है, उनके सारे क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा आने वाले टाइम में, जैसे कि नोटिफिकेशन आएगा जब भी, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसी बात से डरते हैं कि यार पहला पेपर नॉन टेक्निकल कैसे निकलेगा, क्योंकि टेक्निकल तो हमने पढ़ा है यार, नॉन टेक्निकल कैसे। तो नॉन टेक्निकल अगर आप इससे पढ़ोगे, आपके पास 7-8 महीने आराम से हैं, बल्कि ज्यादा मान सकते हो, लेकिन 7-8 महीने आप मैक्सिमम मान के चलो कि मेरे पास 7-8 महीने मैक्सिमम, और इस 7-8 महीने में कुछ अच्छा कर दो, और अपने लेवल को, जो आज आपके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं किसी सेक्शन के अंदर, तो 7-8 महीने बाद आप अलग ही निकल के आओ। ऐसा वेट मत करो कि नोटिफिकेशन आएगा मैं जब पढ़ने बैठूंगा, हो सकता है 4 महीने बाद नोटिफिकेशन आए और 3 महीने बाद पेपर हो जाए, और 3 महीने में भाई कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकल सकता, इस बात को मैं बोल रहा हूँ, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, इस बात को आपको बहुत गहराई से भी समझना पड़ेगा। आई होप इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट वीडियोज रिगार्डिंग इंजीनियरिंग। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।